नमस्कार दोस्तों, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट वन आपने देखा था, वो आपको पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो हमने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। देखिए, हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो तीन स्टेप में पूरी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे यदि लिखने को आता है, मेनली हमको लिखना भी है, एग्जाम्स जो आती हैं वो लिखना भी है, और हमको पता भी होना चाहिए कि होता कैसे है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम कहें तो हम लिखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच स्पर्म आर फॉर्म, जिसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म जो है वो कहाँ पर बनता है, टेस्टिस के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में तीन स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप्स को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेस, मल्टीप्लीकेशन फेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कितनी फेज में पूरा होता है, तीन फेज में। नंबर एक है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी जो फेज होती है वो है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, और तीसरी जो है वो है मैच्यूरेशन फेज। कौन सी फेज, मैच्यूरेशन फेज। तो पहली है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, और तीसरी है मैच्यूरेशन फेज। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। अब बात हम करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन फेज किसे कहते हैं, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, वो हम आपको बताते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पूरी होती है तो पता है, कितने स्टेप्स में पूरी होती है, तीन स्टेप्स में पूरी होती है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। अब हम आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअल क्या होता है, सबसे पहले जो ये होती है जर्माइनल एपिथीलियम में, ये सबको पता है कहाँ होता है, जर्माइनल एपिथीलियम में, ठीक है। तो मैं अगर मैंने कहा ये टेस्टिस है, देखो मैं कहता हूँ ये टेस्टिस है, एक अपन यहाँ पर देख लेते, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, ये जर्माइनल इपिथिलियम, यह जर्माइनल इपिथिलियम इस सेल्स में। तो कोई भी जर्माइनल इपिथिलियम की सेल जो है, ये मैंने कहा मैंने एक सेल ले ली, इसको इधर इस सेल को ले लिया, हम यहां पर इसको रेड कलर से ले लेते हैं, यहां पर हमने लिया इसको, यह है जर्माइनल इपिथिलियम की कोई सेल। अब जर्माइनल इपिथिलियम की सेल बार बार डिवीजन करती है, और ये करती है मल्टी, ये बार बार डिवीजन करती है, और डिवीजन के द्वारा ये अनेक सेल्स बनाती हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है, इन सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल है इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ये डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस। ये भी डिवीजन क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, वो डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, यहां भी 2n, यहां भी 2n, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ये किसमें हुआ, इस सेल में। तो ये जो बनते हैं इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ये जो बनते हैं इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले क्या होता है, जर्माइनल इपिथिलियम की सेल में डिवीजन होता है। जर्माइनल इपिथिलियम की सेल में जो डिवीजन होता है उससे जो फॉर्मेशन होता है माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये जो बनते हैं इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब हम आपको यहां पर एक बात बताएं, इस अब ये जो फेज है इस फेज को कहा जाएगा, इस पूरे इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फेस। क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन
एप्लीकेशन फेस, इसमें सिर्फ डिवीजन होगा। क्या होगा? इसमें सिर्फ डिवीजन होगा, इसको कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन फेस। अब क्या होगा, इस कोई अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे चल करके बड़ा होगा। स्पर्मेटोगोनिया यहां पर डिवीजन नहीं होगा और स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, डिवीजन नहीं है, सिर्फ ग्रोथ होगा। तो यहां पर जो 2n इसमें है वो 2n ही रहेंगे, डिप्लॉइड ही रहेंगे न्यूक्लियस, मतलब इसमें 2n क्रोमोस नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेगा। तो इसको कहा जाएगा, ये जो है इसको कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ करता है, और ये जो फेज कहलाती है, ये जो फेज होती है, यहां डिवीजन नहीं होता है। प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनिया उसमें डिवीजन नहीं होता, स्पर्मेटोगोनिया साइज में बड़ा हो जाता है और ग्रोथ करता है, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस फेज को कहा जाता है ग्रोथ फेज। क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज कहा जाता है इसको। अब ग्रोथ फेज के बाद इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें अब जो स्टेज आती है वो है मैच्यूरेशन फेज। कौन सी फेज? मैच्यूरेशन फेज। तो अब क्या होगा, अब यहां पर फिर से इसमें डिवीजन होगा और एक सेल से दो सेल बनेंगे। अपन इसको यहां पे ले लेते, इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है, और यहां पर क्या बनेंगी? दो सेल बनने वाली है, ये वाली दो सेल बनने वाली है। और अब यहां पर जो ये 2n था यहां n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, मतलब स्वाभाविक है यदि 2n हो रहा है, 2n था यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल थे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि हाफ हो गए, 2n से n हो गए, मतलब हाफ हो गए, आधे हो गए, तो यहां पर डिवीजन जो होगा वो होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, क्योंकि मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है। और ये इनको अब हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद ये बदल जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो ये फेज आ रही है पूरी, ये वाली फेज जो है, ठीक है, हम इस डायग्राम को फिर से यहां से ले लेते हैं, ठीक है। हम इस डायग्राम को कहां पर ले लेते हैं? मैं ये जो ग्रोथ फेज थी हम इसको यहां से फिर से ले लेते हैं, ठीक है, यहां से। तो अब ये ग्रोथ फेज जो थी, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसका फिर से ये दो बटेंगे, इनका डिवीजन होगा। तो अब अपन आपको बताते हैं, देखें देखे देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये है स्पर्मेट, ठीक है, 2n, ये सभी 2n है, ये सभी 2n है, ठीक है। ये है स्पर्मेटोगोनिया जो अपन पहले वाले उसमें देखें, ये है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इस फेस को कहा मल्टीप्लीकेशन फेस, फिर इसमें ग्रोथ हुई, ये हो गया 2n, ए भी 2n है, ये सभी 2n, ए भी 2n, ए भी 2n, 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 ए भी 2n, और अब ये जो फेज हो गई ये हो गई ग्रोथ फेज। अब यहां पर अगर अपन ने देखा तो यहां पर जो था ये जो था ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहां से जो है फिर से डिवीजन हुआ ये, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो ये सभी 2n थे, 2n, 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 ये है मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या है? ये है, ये फिर से देखें, ये है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फेज। ये जो है ये है ग्रोथ फेज जिसमें स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके काय में बदल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहां कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। यहां भी क्या हो रहा है? माइटोसिस। यहां क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। यहां पर होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। हम सभी जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट ही वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहां पर 2n है, फिर यहां पर भी 2n से क्या बन गए, यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो nn हो गए। अब इनको कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद इनको कहेंगे हम स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड। और ये जो फेज है, इतनी जो फेज है, इस फेज को कहा जाता है, ये तो हो गई ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। ठीक है, और ये जो फेज है इसको कहा जाता है मैच्यूरेशन फेज। क्या कहा जाता है? मैच्यूरेशन फेज। और स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड जो है, ये बदल जाते हैं आगे चल करके स्पर्म में। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, ये है स्पर्म। और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनने की क्रिया होती है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस। स्पर्मेटेलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस। तो भाई देखें, फिर से हम एक बार बताते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया, ये सेल है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन, तो बने स्पर्मेटोगोनिया। इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर ग्रोथ फेज में कुछ नहीं होता है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके बदल जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो तीसरी फेज है मैच्यूरेशन फेज, उसमें दो डिवीजन होते हैं, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। डिवीजन एक ही है लेकिन मियोसिस में दो स्टेप्स होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब डिवीजन होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम डबल होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है और क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखना, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना, वो मेटो है, ये मियो है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया, ये क्वेश्चन पीएमटी वगैरह, नीट वगैरह में कई बार पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को, स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटेलियोसिस। बड़े ध्यान से देखें इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस है स्पर्म बनने की। और एक वीडियो जो है वो मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर का एक वीडियो डाला हुआ है। तो फिर स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो मैंने वीडियो एक डाला हुआ है। तो ये क्रिया, ये प्रोसेस जो होती है, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।